बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं क्लास मैट्रिक और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और इसकी इसका चैप्टर नंबर है 21 और इसकी एक्सरसाइज हम करना चाह रहे हैं इस वक्त वो है 21.4। तो 21.4 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम केस स्टडी करेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या कहना चाहता है, क्या करेगा। कहता है केस 4 आ रहा है इसके अंदर हमारे पास। इसमें होता क्या है, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी कि ऊपर पॉलिनोमियल है हमारे पास, नीचे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसके फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये पावर एन होगा। बस ये स्क्वायर था, गलती से मिसिंग हो गया, तो ये एन होगा। एन का मतलब क्या होगा, एन का वैल्यू जो होगी वन से ज्यादा होगी, वन नहीं होगा क्योंकि ये केस कह रहा है रिपीटेड। रिपीटेड में क्या होगा, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो सॉरी, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे लेकिन वो रिपीटेड होंगे, यानी कि मोर देन पावर जो होगी इसकी मोर देन वन होगी, टू थ्री फोर वॉट एवर जो भी हो। यहाँ पे एग्जाम्पल बनाइए कि हमने केस फोर की किस तरह से होगी। ऊपर एक पॉलीनोमियल है उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन नीचे जो पॉलीनोमियल है वो एक क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ऊपर क्या आ गया, टू आ गया, वन नहीं है। वन होता तो नॉन रिपीटेड होता, केस थ्री हो जाता, स्क्वायर है तो रिपीटेड है। तो क्या होगा कि हम जब भी क्वाड्रेटिक का बनाया था वो ए वन एक्स प्लस ए टू ये था हमारे पास, और जो भी फैक्टर था वो फैक्टर नीचे आता था। रिपीटेड होगा तो क्या होगा, एक बार फिर लिखा जाएगा ये। अब ए टू तक तो हो चुका था, ए थ्री एक्स प्लस ए फोर हो जाएगा और क्वाड्रेटिक यहाँ जाएगा। अगर ये पावर थ्री होता ये फर्दर प्लस होके आगे जाता है, ए फाइव एक्स प्लस ए सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और क्यूब, क्यूब होता अगर यहाँ क्यूब होता तो। ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मकसद रिपीटेड में क्या होता है, जिस तरह से हमने लीनियर के पढ़े थे उसमें रिपीट हो रहा था, इस तरह से यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। अब इसमें कुछ सवाल इस तरह के आएंगे आपके, इसमें केस वन केस टू केस थ्री केस फोर मिक्स हो सकते हैं आपके पास, नहीं केस फोर तो है केस थ्री नहीं होगा, केस वन केस टू मिक्स हो सकते हैं केस फोर के साथ। अब यहाँ पे पॉलीनोमियल दिखा रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेशन है हमारे पास, नीचे ये दो दिखा रहा है फैक्टर, एक तो ये स्क्वायर आ गया और नीचे अंदर जो है स्क्वायर की टर्म, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी एक्स तो है ही नहीं, यानी कि जीरो हो गया, बी एक्स प्लस सी यहाँ पे। तो यहाँ पे कहता है कि ये जो ये फैक्टर है ये लीनियर है, लीनियर में क्या होता है और स्क्वायर भी नहीं है, रिपीटेड भी नहीं हो रहा, तो इसमें क्या होगा, ए वन अपॉन एक्स, ये तो सिंपल हो जाएगा केस वन की तरह, लेकिन ये स्क्वायर हो गया तो रिपीट होगा, वन तो वहां जा चुका है, तो रिपीट में क्या होता है, यानी ए एक्स प्लस सेकेंड एक्स आता है, यानी कि यहाँ वन आ चुका है, तो ए टू एक्स प्लस ए थ्री अपॉन फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर मीन्स जो कि स्क्वायर नहीं होगा, जो रिपीट नहीं होगा। अब रिपीट होगा, रिपीट होगा तो क्या होगा, स्क्वायर पूरा चला जाएगा, ए फोर एक्स प्लस ए फाइव। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, इसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। एक्सरसाइज नंबर 21.4 है, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, पांच सवाल है इसके अंदर और इसमें मिक्स केस होंगे। तो एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे गया एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक हो गया ये, और स्क्वायर है तो रिपीट है, रिपीट का मतलब केस फोर हो गया। ठीक है जी, वन प्लस एक्स है, पावर वन है, स्क्वायर नहीं है, वन है, लीनियर है, और स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो केस वन है हमारे पास। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन रूल, क्या करेंगे, मैं आपको सवाल एज इट उतार दिया हमने, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिपीटेड केस है, तो क्या होगा, ए वन एक्स प्लस ए टू अपॉन स्क्वायर था तो वन वन पावर आ जाएगा, फिर आगे स्क्वायर आ जाएगा रिपीट की वजह से, ए टू तक हुआ तो ए थ्री एक्स प्लस ए फोर हो जाएगा प्लस अपनी जगह पे, ये लीनियर का केस है हमारे पास, केस वन है तो ये फोर था तो हो चुका है, तो ये ए फाइव होगा और ये फैक्टर यहाँ से यहाँ वन माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन को, अब क्या किया, ये तो एज इट उतार लिया हमने यहाँ पे, और ये जो फ्रैक्शन नजर आ रही है हमें, हम इनमें से नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इनके लेंगे एलसीएम, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये स्क्वायर, तो ये खुद इसका ही हिस्सा है, पहला फैक्टर खुद इसी का हिस्सा है, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये नहीं आएगा, ये स्क्वायर ही आ जाएगा उसमें, ये मैं समझा चुका हूँ आपको पहले भी इस तरह की चीज़ें, और ये डिफरेंट है, दोनों मिल के आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पे जो ऊपर ए वन एक्स प्लस ए टू था, हम क्या करेंगे इसको, हम ब्रैकेट में कर देंगे इसको, अब ये सिंगल पावर है तो ये स्क्वायर है, तो एक तो ब्रैकेट ये वाला ऊपर जाएगा लास्ट में, क्योंकि स्क्वायर पूरा करने के लिए, तो वो चला गया एक्स स्क्वायर प्लस, और डिफरेंट वाला कौन सा ब्रैकेट है, वो ये वाला फैक्टर है, तो ज्यादा वो यहाँ नहीं है एलसीएम में पूरा, ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा उसको, क्या वन माइनस एक्स। ठीक है जी, ए थ्री एक्स प्लस ए फोर, इसको ऐसे लिख दिया हमने,
अब ये स्क्वायर का ब्रैकेट है, तो ज्यादा डिफरेंट वाला पॉइंट देखने पे आ करेगा, डिफरेंट कौन सा, 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। इसके बाद क्या करता है, हमने यहाँ पे लगाया प्लस, ये वाला प्लस यहाँ लगाया है, इस डिवाइडिंग लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ए फाइव अपनी जगह पर है, ये लीनियर वाला है, 1 माइनस एक्स वाला, तो ये तो मौजूद है लेकिन ये मौजूद नहीं है, एलसीएम पूरा करने के लिए ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, दोनों कैंसिल कर दिए उससे के साथ, ठीक है। यह स्क्वायर लगाना भूल गए जल्दी में, ये आप लगा लीजिएगा, ये स्क्वायर था वहाँ पर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो न्यूमिनेटर इसका बचा और राइट साइड का भी न्यूमिनेटर बचा, एज उतार लिया, कुछ भी नहीं किया हमने। इसको क्वेश्चन टू के, क्वेश्चन टू क्या है, तो कुछ ना कुछ तो हम इसमें कर सकते हैं, तो क्या करेंगे इसमें, आप गौर से देख लीजिए, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, तो 1 यहाँ पे फैक्टर अगर 1 पुट कर दूंगा इसकी जगह पे, क्या होगा, 1 से 1 गया 0, तो ये सारा 0, वही 1 यहाँ पुट करना पड़ेगा, 1 से 1 क्या 0, सारा 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 कुछ आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, नहीं समथिंग कुछ आएगा, ए फाइव तो आपको मिल सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काम आ जाएगी आपकी ए फाइव निकालने के लिए। बाकी क्या किया हमने, यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया दो ब्रैकेटों को, ए वन एक्स मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, तो ए वन एक्स, ये एक्स था और ये स्क्वायर था, तो एक्स क्यूब हो गया, ठीक है जी। ए वन एक्स को मल्टीप्लाई किया ए वन, अब खाली वन से मल्टीप्लाई किया, तो ये एज इट आ गया, बिल्कुल सीधा आ गया, ए वन एक्स आ गया। अब ए टू मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, तो ए टू एक्स स्क्वायर हो गया, ए टू को जो वन से गया तो ए टू हो गया, 1 माइनस एक्स अपनी जगह, 1 माइनस एक्स अपनी जगह पर, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए थ्री एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ए थ्री एक्स ही आ जाएगा, फिर ए थ्री एक्स मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x से x को करेंगे, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस ही आ गया। अब ए फोर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ए फोर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ए फोर को जब x से करेंगे तो ए फोर एक्स हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे ए फाइव है, तो ए फाइव ऐसे ही रहा, और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म बता, तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया फॉर्मूले का, तो फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गया सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे ताकि वो इजी हो जाए समझने के लिए नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे ए वन एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये एज इट ए वन एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ए वन एक्स क्यूब आ गया, ए वन एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस तो आ रहा ही है वहाँ पे, तो माइनस से आ रहा है वहाँ पे, जब x मल्टीप्लाई होगा x क्यूब से, तो x 4 जाएगा, तो a1 x 4, ठीक है। अब a1 x की बारी, a1 x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो प्लस का a1 x आ जाएगा, a1 x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से, तो x और x जाएगा x स्क्वायर, और माइनस पहले आ चुका है, तो a1 x, तो माइनस का a1 x स्क्वायर, ये भी x था ये भी x था, दोनों क्या होंगे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद ए टू एक्स स्क्वायर है, तो ए टू एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ए टू एक्स स्क्वायर जाएगा, ये आपके पास ए टू एक्स स्क्वायर आ गया, ए टू एक्स स्क्वायर को जब एक्स से करेंगे, तो स्क्वायर और ये क्या मिल जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस का ए टू एक्स क्यूब हो गया, ठीक है जी। इसके बाद ये वाला फैक्टर हमारे पास, ये एज इट पूरा का पूरा मैंने ऐसे उतार दिया, ठीक है जी, या अभी कुछ बाकी था, नहीं बाकी था, थोड़ा सॉरी बस एक मिस्टेक हो गया, एक ये भी था हमारे पास, ए टू बाकी था, ए टू को जब वन से करेंगे तो क्या होगा, ए टू हो जाएगा, फिर जब ए टू को माइनस एक्स से करेंगे, तो माइनस का ए टू एक्स हो जाएगा, ये यहाँ तक हुआ हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमने ये वाला पुट किया ए थ्री एक्स, वही मैं देख रहा था कि चेंज कैसे हो गया, तो ए थ्री एक्स आ गया, माइनस का ए थ्री एक्स स्क्वायर, तो माइनस का ए थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, ए फोर है तो ए फोर आ गया, यहाँ से ए माइनस ए फोर एक्स है, तो माइनस का ए फोर एक्स है। अब ये जो ए फाइव वाला है वो ये प्लस का ए फाइव अपनी जगह, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर किया हुआ था, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा फोर हो जाएगा, क्रॉस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है जी। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे उसको हमने कुछ नहीं किया, ये एस एट सारा का सारा यहाँ तक उतारा है हमने यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद क्या किया, ए फाइव को मल्टीप्लाई किया एक्स पावर फोर से, तो ए फाइव एक्स पावर फोर, ए फाइव को मल्टीप्लाई किया टू एक्स, टू एक्स स्क्वायर से, तो टू ए फाइव एक्स स्क्वायर हो गया, ए ए फाइव को मल्टीप्लाई किया वन से, ए फाइव हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो ये सब हो गया, हम जानते हैं हमने मैंने आसानी के लिए सिंगल कर दिया, एक बार लगा दिया नीचे, ठीक है, डॉट एंड लगा दिया, तो एक्स पावर फोर है, तो एक्स पावर फोर है, लेकिन ये माइनस का है, और एक्स एक्स पावर फोर ये ना मेरे पास प्लस का, मैंने फाइव ए फाइव एक्स पावर फोर को पहले लिख दिया, इस वाले को बाद में लिख दिया,
ठीक है, इसके बाद थ्री वाला है, तो ए वन एक्स थ्री है, तो ए वन एक्स पावर थ्री है, फिर एक्स थ्री यहाँ पर है माइनस का, ए टू एक्स पावर थ्री माइनस का, ए टू एक्स पावर थ्री। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है, डबल अंडरलाइन नजर भी नहीं आ रहा आपको। इसके बाद स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर ये रहा माइनस का ए वन एक्स स्क्वायर, माइनस का ए वन एक्स स्क्वायर, इसी के बराबर में ए टू एक्स स्क्वायर है तो ए टू एक्स स्क्वायर भी आ गया। दूसरा उसके बाद माइनस का ए थ्री एक्स स्क्वायर है तो माइनस का ए थ्री एक्स स्क्वायर आ गया। इसके बाद यहाँ पे प्लस का टू ए फाइव एक्स स्क्वायर है, प्लस का ए टू ए फाइव, टू ए फाइव एक्स पावर टू, ठीक है, यहाँ से ये उतार दिया। अब इसके स्क्वायर हो चुके हैं तो अब ये सिंगल एक्स वाले हमारे, एक्स सबसे पहले यहाँ पर है, ए वन एक्स है तो ए वन एक्स लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ए टू एक्स है, ए थ्री एक्स है तो ए टू एक्स है, ये माइनस का तो माइनस का हो गया, टू एक्स प्लस का है तो प्लस का ए थ्री एक्स, ठीक है। और ए ग्यारह माइनस का ए फोर एक्स, माइनस का ए फोर एक्स। अब उसके बाद बचे एक्स खत्म हो गया तो कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यहाँ पर से बुलाता है, ए टू आया था तो ए टू लिख दिया मैंने, ए टू के बाद आगे चलते हैं तो ए फोर आता है तो ए फोर लिख दिया, आगे चलते हैं तो ए फाइव आता है, ए फाइव लिख दिया। अब हम जानते हैं जो हमने ये निकाले हैं तो उसमें एक्स पावर फोर, एक्स पावर फोर को कॉमन निकाल दिया, यहाँ से निकालेंगे एक्स पावर थ्री को, तो एक्स पावर थ्री को निकाल दिया था, यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर चार हमारे पास, तो ए वन ए टू ए थ्री ए फाइव यहाँ तक थे, ए फाइव यहाँ तक थे एक्स स्क्वायर। माइनस से निकाले थे तो माइनस बाहर निकला, तो जो माइनस का साइन है वो प्लस, जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का है, थ्री और ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, ये तब निकाल दिया मैंने एक्स स्क्वायर, ये तो निकाल दिया माइनस है, ठीक है जी। इसके बाद बचे मेरे पास एक्स वाले, तो ए वन एक्स, ए टू एक्स, ए थ्री एक्स, माइनस का ए फोर एक्स, एक्स बाहर निकाल दिया, ए वन माइनस का ए टू प्लस का ए थ्री माइनस का ए फोर, सारे एक्स ए वन से लेके यहाँ जो फोर तक थे उसमें से एक्स बाहर निकाल दिया, बाकी अंदर रख दिया, बचे ए टू ए फोर ए फाइव कॉन्स्टेंट। अब अगर गौर से देखें दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, यहाँ भी टर्म्स हैं, इनमें से डायरेक्टली कोई टर्म नहीं निकलेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमने इक्वेशन टू बना रखी थी, ये वाली, उसमें क्या निकाला था हमने कि एक्स की जगह पे वन पुट कर दें तो वन में से वन जीरो ही जीरो जाएगा, ये भी जीरो जाएगा, ए फाइव आ जाएगा, ए फाइव की मदद से हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ए फाइव मालूम करने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू वन, यहाँ भी जहाँ एक्स है यहाँ भी वन है, जहाँ एक्स है वहाँ भी वन है, यहाँ पर भी एक्स था यहाँ भी वन है, यहाँ भी एक्स था यहाँ भी वन है, यहाँ भी एक्स था यहाँ वन है, यहाँ पर एक्स है यहाँ भी वन है, यहाँ पर भी एक्स था यहाँ पर भी वन है, ठीक है। ये तो हम जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे हमने वन वन लगा दिया, वन का स्क्वायर करेंगे वन हो जाएगा। अब यहाँ वन में से वन जाएगा जीरो, जीरो सबको की कर देगा जीरो, जीरो लिख दिया मैंने, लाइन भी लगा दी, फिर वन में से वन गया जीरो, जीरो ने सबको कर दिया जीरो, ये जीरो प्लस का ए प्लस का ए फाइव, वन का स्क्वायर वन प्लस वन, और ये वन वन कितने जाएंगे वन टू जाएंगे, टू का आगे दिखाया है स्क्वायर मैंने फोर हो गया, तो फोर जब मल्टीप्लाई करेगा वहां जाके वन को डिवाइड करेगा तो ए फाइव आ गया, वन अपॉन फोर आ गया। अब देखिए कौन सी ऐसी वैल्यूज हमारे पास है, इस सामने नजर आ गया बिल्कुल सीधा, एक्स पावर फोर को हम इक्वेटिंग करेंगे तो ए वन निकल आ सकता है, ए फाइव, ठीक है। तो ए अच्छा ये एक्स पावर फोर है, यहाँ तो नहीं है एक्स पावर फोर, इसका मतलब एक्स पावर फोर जो यहाँ कंसिडर होगी जीरो, जीरो बराबर जाएगा किसके, ए फाइव माइनस ए वन के, ठीक है, जीरो बराबर हो गया ए फाइव माइनस ए फाइव माइनस ए वन, ए फाइव आपने अभी निकाला वन पॉइंट फोर, तो ए फाइव क्योंकि वन पॉइंट फोर है तो वन पॉइंट फोर पुट कर दिया, माइनस ए है तो माइनस ए है, ये प्लस का था ये वहां जाकर हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस माइनस से कट गया, ए वन आ गया वन पॉइंट फोर, ठीक है। अब ए वन भी आ गया, ए फाइव भी आ गया, बात तो ए वन आ गया तो इसकी मदद से ए टू निकाल सकते हैं, तो एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई एक्स क्यूब को इक्वेटिंग करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब यही जीरो बराबर हो जाएगा ए वन माइनस ए टू के, जीरो बराबर हो जाएगा हमारे पास जीरो ए वन माइनस ए टू के, तो ए वन के लिए भी निकाली वन पॉइंट फोर, तो ए वन की जगह वन पॉइंट फोर पुट कर दिया, प्लस का तो वहां जाके हो गया माइनस का, तो ये माइनस माइनस कट गया, ए टू भी वन पॉइंट फोर आ गया, दोनों वैल्यूज ए वन ए टू दोनों दोनों वन पॉइंट फोर है, ठीक है जी। अब कहता है ए थ्री निकालेंगे, हम ए थ्री के लिए देख लीजिए वहां पे गया, ए थ्री हमारे पास इसके अंदर है ए वन माइनस ए टू, और इसमें ए वन भी ए टू भी ए फाइव भी, ए थ्री निकाल सकता है प्रश्न से, ठीक है, यहाँ नहीं निकाल सकते हैं, ए फोर, ए फोर नहीं मालूम किया, यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट है, ए फोर निकाल सकता था इसमें से, पहले ए थ्री निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर को कौन
इक्वेटिंग करेंगे एक्स स्क्वायर पे, वन बराबर हो जाएगा किसके, माइनस की वैल्यू साथ माइनस से बाहर जाकर, ठीक है। ए वन पे अल्टरनेट है, ए प्लस एक माइनस, ए प्लस एक माइनस, ठीक है। ये पूरा पूरा मास बता रहे हैं हम यहाँ पर इक्वेट करते हुए। तो एक्स स्क्वायर की राइट साइड पे भी उसके, लेफ्ट साइड पे भी उसके, वो एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, तो एक वन आ गया उसका, यहाँ का माइनस के साथ आ गया अल्टरनेट साइन के साथ, आखिर में टू ए फाइव था, ठीक है जी। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, ये माइनस से मल्टीप्लाई से हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए वन की वैल्यू 1.4 निकाल लिए हम, ए टू की 1.4 है, ए फाइव की 1.4, तीनों ही कंसेक्यूटिवली एक ही किस्म की वैल्यू हमारे पास। माइनस अपनी जगह तो क्या जाएगा, माइनस 1.4 जाएगा, प्लस है तो प्लस 1.4 जाएगा, माइनस तो ये ए थ्री आपको मालूम करना है, ये प्लस टू अपनी जगह पे ए फाइव की वैल्यू दे रखी थी आपको, तो ए फाइव क्या 1.4 है, 1.2 हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल, इधर 1 बचा हुआ है, ये माइनस का ए थ्री, ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का ए थ्री, ये 1.2 हो गया, ये 1.2 प्लस का वहां जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। एक है, एक के में से माइनस कर रहे हैं आधा, वन में से निकाल रहे हैं हाफ, तो हाफ ही बचेगा प्लस का, ठीक है। लेकिन वो माइनस साइन यहाँ पर है, उसकी वजह से वो साइन शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस अपनी जगह है, ए थ्री माइनस का है, तो माइनस अपनी जगह है, वन में से माइनस वन अपॉइंट टू को, तो वन के नीचे वन होता है, तो वन और टू का सीम टू ही आ जाएगा, टू वहाँ क्रॉस में प्लेयर करेगा तो टू आ जाएगा उधर, वन यहाँ क्रॉस में प्लेयर करेगा तो माइनस का, टू में से वन गया तो वन बचेगा, तो वन अपॉइंट टू होगा, लेकिन ये माइनस यहाँ है, माइनस को वहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, माइनस वन अपॉइंट टू, ये माइनस वन अपॉइंट टू कैसा है, ये माइनस वहाँ शिफ्ट किया, वन अपॉइंट टू प्लस का था लेकिन ये माइनस वहाँ शिफ्ट हुआ तो माइनस कर दिया। इसके बाद कहता है ए फोर निकालने के लिए, ए फोर निकालने के लिए आपके पास देखिए ये भी तरीकाकार है और ये कांस्टेंट वाला भी है कि ए टू भी आपके पास ए फाइव भी, तो कांस्टेंट से भी निकाल सकते हैं, वहाँ कांस्टेंट लेंगे तब भी जीरो है, एक्स की वैल्यू वहाँ नहीं है, वो भी जीरो के बराबर कर सकते हैं, बेहतर है ये कम रकम कम है, ए टू ए फोर ए फाइव, इसी को यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, पेट क्या कॉन्स्टेंट को कर दिया, पेट हम ए टू ए फोर ए फाइव, ए टू के लिए 1.4 है, ए फाइव की 1.4 है, दोनों भी सपोर्ट कर दी, दोनों वहां जाके माइनस के हो गए, ठीक है जी। यहाँ पे प्लस का ए फोर है, ठीक है, दोनों का ए फोर फोर है, फोर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर माइनस वन माइनस वन, माइनस का टू हो जाएगा, तो टू आंसर, टू टू आंसर फोर, वन अपॉन टू, लेकिन माइनस का ए फोर भी आ गया आपके पास। ए फाइव पहले निकाल चुके थे आप, अब ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव की रिपोर्ट कर देंगे, ये आपके पास ए वन की वैल्यू निकाली थी 1.4, ये ए टू की वैल्यू 1.4, ये ए थ्री की वैल्यू माइनस 1.2, ए फोर की वैल्यू माइनस 1.2, ए फाइव की वैल्यू 1.4, ठीक है। ये एज इट निकाल रखे थे क्वेश्चन वन के अंदर, अभी देखिए फ्रैक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन हो रहा है तो एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर एक्स प्लस 4 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 1, ठीक है, इन दोनों में से इन दोनों का 2 कॉमन, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस का एक्स माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 डिवाइड करो तो नीचे का बढ़ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो ऐसी के सिस्टम आ गया, ये 2 यहाँ पे डिवाइड करो तो नीचे का मल्टीप्लाई करेगा, ये 4 डिवाइड करो नीचे का मल्टीप्लाई करेगा, ये ब्रैकेट ऐसे ही है, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया, तो अंदर के रखना दोनों जो माइनस की दोनों ही प्लस की हो जाएंगी, ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो गया, ऐसे कोई मुश्किल नहीं, आसान है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास, और एक एक्सप्रेशन है नीचे जो है, एक फैक्टर है लीनियर का, रिपीटेड फैक्टर है, स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, रिपीटेड लाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये भी रिपीटेड है वो भी रिपीटेड, ये केस 2 है ये केस 4 है, ये केस 2 है ये केस 4, अप्लाई करते हैं, सवाल ऐसे ही उतार दिया हमने आपसे, तो केस 2 में क्या करते हैं, जो x स्क्वायर है a1 अपॉन x, और फिर रिपीट होगा ये स्क्वायर वाला था, इसका स्क्वायर यहाँ आ गया a2 अपॉन दिस, और ये लगेगा इसमें भी रिपीटेड, तो a2 तो यहाँ होगा, तो a3x प्लस a4 और 1 डिग्री पावर क्या 1 स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या कर दिया 1 कर दिया, अब नीचे स्क्वायर आ जाएगा, एज इट रिपीट हो जाएगा, लेकिन फोर्थ हो चुका है, तो ए फाइव एक्स प्लस ए सिक्स, आपको 1 2 3 4 5 6 सारे निकालने पड़ेंगे, आपको लंबा सवाल है ये आपका, फिर भी ये कहूँगा समझ लें, आपको आना चाहिए, अगर बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस की मिस्टेक हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा आपका, बहुत एहतियात से कीजिएगा इसका। सवाल एज इट उतार दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन के अंदर है, तो उनका एलसीएम ले लिया, तो मैक्सिमम ये जो है यही एलसीएम आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, दोनों ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स था तो स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर करने के लिए तो एक्स चाहिए होगा, तो एक्स तो लास्ट में आएगा ऊपर, एवं साथ तो एक्स आ गया ऊपर, ठीक है,
और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं था वहां पे नीचे ऐसे में पूरा, तो वो भी ऊपर आएगा, तो वो भी आ गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर तो है लेकिन लीनियर का, लेकिन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर नहीं है, तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा ए टू के साथ, ए टू के साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर ऊपर लिख दिया मैंने ए टू के साथ। ठीक है, ये ए थ्री से फोर्थ वाले को ब्रैकेट में लिखा मैंने, और इसके साथ मैंने देखा यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक का सिंगल है तो स्क्वायर की वैल्यू तो लाजमी आएगी ऊपर, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया स्क्वायर आगे। और दूसरे साइड पे क्या दिखाया, ये सिंगल वन है पावर में, तो स्क्वायर यहाँ पे तो एलसीएम में स्क्वायर है, एक ब्रैकेट और आएगा सिंगल पावर लॉ, तो वो सिंगल वाला एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आर। ठीक है, मैंने इसी डिवाइड की लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और अब इसके लिए इस्तेमाल करूंगा प्लस का, मैंने ये पूरा ए फाइव एक्स प्लस सिक्स को मैंने ब्रैकेट में कर दिया। ये क्वाड्रेटिक का पूरा रिपीटिंग फैक्टर मौजूद है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर पर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों सेम है, दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर दोनों साइड के डिनोमिनेटर आ जाएंगे। एस इट लिख दिया मैंने, कुछ भी साइन चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसको इक्वेशन टू दे दिए। अब इसमें गौर से देखें आप तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सॉल्व करने में इजी हो जाए आपको। देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ए टू मालूम कर सकते हैं अगर एक्स की वैल्यू हम जीरो पुट कर दें। जीरो पुट करेंगे तो जीरो इन सब को जीरो करेगा, जीरो इन सब को भी जीरो करेगा, जीरो इन सब को भी जीरो करेगा, लेकिन यहाँ पे जीरो को जीरो हो जाएगा तो ये नाइन ए टू हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमें इसको भी करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन टू के लिए, कुछ नहीं किया इसको, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखा, राइट हैंड साइड में क्या था, ये स्क्वायर का फॉर्मूला है ए वन एक्स के साथ, ए वन एक्स अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, इसको फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का टू, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड टर्म स्क्वायर, इसको फॉर्मूले से खोल दिया। प्लस दिखाया मैंने, ये वाला प्लस का प्लस दिखाया, ए टू को बाहर दिखाया, यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का टू, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और सेकंड टर्म प्लस, ये प्लस यहाँ दिखाया और ये एक्स स्क्वायर यहाँ दिखाया मैंने और इनको कर दिया मल्टीप्लाई। ए थ्री एक्स को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स के एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ए थ्री एक्स क्यूब हो गया। अब ए थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो थ्री ए थ्री एक्स हो जाएगा, ए फोर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ए फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए फोर को थ्री से करेंगे थ्री ए फोर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए फाइव एक्स से, तो एक्स से जब एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ए फाइव एक्स क्यूब हो जाएगा, ए सिक्स अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको स्मॉल करते हैं ताकि इजी हो जाए आपके लिए। अभी देखिए क्या क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे ए वन एक्स अपनी जगह पे, ए वन एक्स अपनी जगह पर, स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर फोर हो जाएगा, ये टू थ्री सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा। ठीक, ए टू अपनी जगह पे स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स पावर फोर हो जाएगा, टू थ्री सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का नाइन, सेम सेम तो सेम सेम खुल जाएंगे। ये प्लस है, यहाँ भी प्लस दिखा दिया मैंने, वहाँ पे इसमें दिखा रखा था, यहाँ पे कंटिन्यू दिखा दिया, इसमें नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है। और इस ब्रैकेट को मैंने एज इट लिखा सॉल्व करने के लिए और इनको मैंने ऐसे ही लिख दिया कि मैं अगले स्टेटमेंट को ओपन करूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है जी, अब ये ए वन एक्स को जब एक्स पावर फोर से करेंगे तो ए वन एक्स और एक्स पावर फोर मिलकर एक्स पावर फाइव देंगे, ए वन पावर फाइव, ए वन सिक्स ए वन एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक ये है और एक स्क्वायर ही है, तो सिक्स ए वन एक्स क्यूब हो गया। ए वन एक्स को नाइन से करेंगे तो नाइन ए वन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए टू को जब एक्स पावर फोर से करेंगे तो ए टू एक्स पावर फोर हो जाएगा, ए टू को सिक्स ए स्क्वायर से करेंगे तो सिक्स ए टू एक्स पावर टू, ए टू को नाइन से करेंगे तो नाइन ए टू हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इन सब सुन पैक करेंगे, जब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से करेंगे तो ए थ्री एक्स पावर फाइव हो जाएगा, ए थ्री एक्स पावर फाइव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को जब थ्री ए एक्स से करेंगे तो स्क्वायर एक्स में लिखो जाएंगे एक्स पावर थ्री हो जाएगा, तो थ्री ए थ्री एक्स पावर थ्री, एक्स स्क्वायर को ए फोर एक्स स्क्वायर से करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे ए पावर फोर हो जाएगा, ए फोर ए एक्स पावर फोर हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर और रिवर्स कर दो एक्स पावर फोर हो जाएगा ए फोर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को थ्री ए फोर से करेंगे तो थ्री ए फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे ट्रे दोनों का। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे चेक किया मैंने कि बड़ी पावर कौन सी बड़ी पावर ये है, ए वन एक्स पावर फाइव, तो ए वन एक्स पावर फाइव आ गया हमारे पास। इसके बाद एक्स पावर फाइव की दूसरी कहाँ पर अगर देखें आप यहाँ पे, तो
तो दूसरी मुझे नजर अभी देखें ये रही, a1 x पावर 5 है, दूसरा a3 x पावर 5 है, a3 x पावर 5 तो x पावर 4 को लेंगे तो फर्स्ट x पावर 4 है, a2 x पावर 4 है तो a2 x पावर 4 है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर a4 x पावर 4 है तो a4 x पावर 4 है, आगे नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो एक्स क्यूब में ले लेंगे तो 6a1 x पावर 3 है, 6a1 x पावर 3, इसके बाद एक्स क्यूब की वैल्यू कहाँ पर है हमारे पास, ये 3a3 x पावर 3 3a3 x पावर 3, ठीक है, इसके बाद a5 x पावर 3 है तो a5 x पावर 3 है और नहीं है, स्क्वायर में देखिए 6a2 x स्क्वायर 6a2 x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3a4 स्क्वायर 3a4 x स्क्वायर, a6 x स्क्वायर 6x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद x आएगा तो x कौन होगा 9a1x है, 9a1x, उसके बाद देखिए x कौन सा है, एक्स नहीं है हमारे पास, फिर कॉन्स्टेंट देखिए तो 9a4 है, a2 है, 9a2 है, गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे पूरे हैं, ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से x पावर 5 निकाल देंगे कॉमन, इसमें से x पावर 4 ले लेंगे, इनमें से तीनों में से x क्यूब ले लेंगे, इन तीनों में से x स्क्वायर, और ये x ऐसे रहेगा सिंपल, तो x पावर 5 निकाल दिया, x पावर 4 निकाल दिया, x क्यूब निकाल दिया, x स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे ये कह रहे थे ये जो है यहाँ पर देख लीजिए इसको स्क्वायर, इसमें x पावर 5 कॉमन निकाल लिया था हमने, ठीक है, इन दोनों में से थोड़ा सा और देख लेते हैं, दोनों से x पावर 5 आ गया, इनमें से x पावर 4 आ गया, इनमें से x क्यूब, इनमें x स्क्वायर, और इसमें खाली x ऐसे ही रहेगा, इसमें किसी से कॉमन नहीं निकलेगा और 9 रख देगा, तो ये मैं थोड़ा आगे करके लिख दिया, 9a1x है और 9a2 है, 9a2, ठीक है, अब ये हमने देखा यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें सिंपल डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है वहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करके करें, लंबा हो जाएगा बहुत, देखिए a2 आसानी से मिल रहा है, a1 भी आपको आसानी से मिल रहा है, इक्वेट करेंगे इसको a1 के लिए तो x को x रद्द करेंगे, 1 है, 1 बराबर हो जाएगा 9a के, ठीक है, इस तरह से ये कांस्टेंट है 9a2, ये 2 के 2 बराबर हो जाएगा 9a2 के, जब a2 के लिए 1 करेंगे, फिर a3 निकाल लें, a4 निकाल लें, बाद में a5 निकाल लें, फिर a6 निकाल लें, ज्यादा वैल्यूज आपके पास, तो x की वैल्यूज को इक्वेट कर लिया इसके साथ में, x के साथ x 1 था, 1 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 9a1 हो गया, ठीक है जी, 9a1 9 मल्टीप्लाई करें 9 वहां जाकर 1 को डिवाइड करेगा तो 1 को 9, ठीक है जी, इसके बाद क्या करना है हमें, हमें ये कांस्टेंट a2 को लेना था, तो a2 9a2 जो था बराबर आ जाएगा 2 के, तो 2 बराबर आ गया किसके, 9a2 के, 9 मल्टीप्लाई करें 9 डिवाइड करेगा 2/9, ठीक है जी, ये भी हो गया, अब हमारा रह गया a3, तो x पावर a1 के लिए पुट करेंगे a3 निकल जाएगा, तो x पावर 5 यहां तो नहीं है, मतलब उसके लिए यहाँ 0 कंसिडर करेंगे हम, 0 बराबर होगा किसके, a1 + a3, ठीक है जी, ऐसे करते हैं a1 + a3, a1 हमने निकाला है 1/9, तो 1/9 पुट कर दिया, यहाँ प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो a3 हो गया माइनस का 1/9, ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है a3 भी आ गया, a4 निकालेंगे तो क्या करें, x^4 को यहाँ पे x^4 है ही नहीं, 0 बराबर जाएगा a2 + a4 के, 0 बराबर जाएगा a2 + a4 के, ठीक, a2 के लिए निकाल चुके हैं आप, 2/9 है, 2/9 पुट कर दिया, a2 की जगह a4 अपनी जगह, ये 2/9 वहां चला जाएगा, तो आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2/9, अब रह गया x a^5, यहाँ x क्यूब है वहां पे 0 है, वहां है ही नहीं x क्यूब, तो 6 वाला ये वैल्यू रखते हैं, 6a1 a3 a5, 6a1 a3 3a3 और a5, ठीक है जी, a1 की वैल्यू 1/9 है, a3 की वैल्यू 1 - 1/9, ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हैं, a5 ऐसे ही रहेगा, वहां 0 रहेगा, तो यहां 6 था तो 6 है, a1 की वैल्यू क्या 1/9 है, तो 3 2 3 3 9 प्लस 3 अपनी जगह, a3 की वैल्यू क्या 1/9 है माइनस का, तो 3 1 3 3 9 माइनस का, a5 में as नहीं है, a5, ये हो गया 2/3, यहाँ पे हो गया माइनस का 1/3, ठीक है जी, मैं ये माइनस का है इसको जो मार दूंगा ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी, दोनों 3 है, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 - 3 - 2, क्या हो जाएगा माइनस का 1/3,
ए फाइव भी आएगी। अब बचा आपका ए सिक्स, ठीक है, ए सिक्स के लिए आपके पास यही ऑप्शन है, ए सिक्स यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वन बराबर हो जाएगा किसके, सिक्स ए टू थ्री ए फोर और सिक्स फाइव ए सिक्स। ए सिक्स के लिए क्या किया हमने, ये पुट कर दिया, इसके एक्स स्क्वायर का वन बराबर था सिक्स ए टू थ्री ए फोर और ए सिक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर कर देगी। ए टू की वैल्यू टू ओवर नाइन है, ए फोर की वैल्यू हमारे पास माइनस टू ओवर नाइन है, सिक्स अपनी जगह है, ए टू की जगह क्या होगा टू ओवर नाइन, प्लस थ्री अपनी जगह, ए फोर की जगह हो गया माइनस टू ओवर नाइन, ठीक है, थ्री टू जा थ्री, थ्री जा नाइन, ठीक है, टू टू जा फोर हो गया, नीचे थ्री रहा, यहाँ पे थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, तो माइनस का टू ओवर थ्री बचा, प्लस का ए सिक्स, ये सब वहां चले जाएंगे, तो माइनस का तो वहां जाके प्लस का हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी प्लस ही वन मौजूद, वन पहले से मौजूद, याद रखिएगा प्लस वन आ रहा है, माइनस का वहां जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का वहां जाके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू ए सिक्स, थ्री थ्री वन के नीचे वन छुपा होता है, तीनों का एलसीएम लेंगे थ्री आ जाएगा, थ्री तो ऊपर से आएगा क्रॉस के लिए, थ्री माइनस टू माइनस का फोर, तो कितना हो जाएगा फाइव, फाइव में से फोर गए वन, वन अपॉइंट थ्री, तो ए सिक्स भी आ गया वन अपॉइंट थ्री। कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स की रिपोर्ट कर दें, ए वन की रिपोर्ट की, ए टू की रिपोर्ट की, ए थ्री की रिपोर्ट की, ए फोर की, ए फाइव ए सिक्स, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, नाइन डिवाइड कर रहा था, जैक मल्टीप्लाई करेगा, जैक मल्टीप्लाई कर रहा है, नाइन डिवाइड कर जैक मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे नाइन और नाइन है वो एलसीएम ले लेंगे, माइनस का एक्स माइनस का टू, माइनस का एक्स माइनस का टू, ठीक है, ये आगे का हिस्सा है, तो आगे का यहाँ किया हमने, तो ये 1.3 x है और ये 1.3 3 3 का इसमें लेंगे 3 आ जाएगा, माइनस का x प्लस का 1, ठीक है, उसमें दोनों माइनस के हैं, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस का x है और एक प्लस का 1, ठीक है, यहाँ 9 डिवाइड कर चेक मल्टीप्लाई करेगा, 9 3 यहाँ डिवाइड कर चेक मल्टीप्लाई करेगा, ये 1.9x प्लस का 2 अपॉन 9x स्क्वायर ये जगह पर, अब यहाँ देखिए 9 ऊपर से नीचे आ गया, ये ऊपर दोनों में से माइनस थे, दोनों का माइनस कॉमन निकाले, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, थ्री यहाँ डिवाइड कर रहा था, थ्री नीचे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस यहाँ भी कॉमन निकाल देंगे, तो ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का वन है वो हो जाएगा माइनस का, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं किया, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका आंसर है, और कुछ भी नहीं किया, स्टेप बिल्कुल सीधे सीधे बारे में यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थ्री आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस यहाँ पास, लेकिन यहाँ क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है लेकिन नॉन रिपीटेड है, केस वन हो गया, और ये क्वाड्रेटिक है और इस पे स्क्वायर भी है, तो सब ये रिपीटेड है, ये केस फोर हो गया, वन और फोर केस पे आ गए, ठीक है, सवाल ऐसे उतार रहा है, ये लीनियर है केस वन है, तो क्या होगा ए वन अपॉन दिस, यही आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड है, तो ए वन तो हो चुका है, तो ए टू एक्स प्लस ए थ्री अपॉन, नीचे वाला ई फैक्टर आएगा वन पावर के साथ, फिर ये आगे बढ़ जाएगा थ्री तक हुआ, तो ए फोर एक्स प्लस ए फाइव अपॉन यही फैक्टर स्क्वायर वाला पूरा आ जाएगा, इसको क्वेश्चन हम जानते हैं ये एज इट रहेगा, ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो इनका सब करेंगे एलसीएम, तो जाहिर बात है एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर के अंदर खुद जम हो जाता है, ये सी का ही हिस्सा है, रिपीटेड वाला ना क्वाड्रेटिक, ये सी का हिस्सा है, तो ये तो एक हो जाएगा, ये एक आ जाएगा, तो लीनियर है क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ऊपर ए वन करेगा क्वाड्रेटिक वाला, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो है लेकिन पावर वन है, तो जाहिर बात है ऊपर वाले को हम ब्रैकेट में कर दूंगा, ए टू एक्स प्लस ए थ्री को, ए टू एक्स प्लस ए थ्री को ब्रैकेट में कर दिए, और मैं जानता हूँ ये क्वाड्रेटिक का एक पावर आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक का एक लाजमी आएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और लीनियर है नहीं, तो लीनियर लीनियर वाला वन प्लस एक्स नहीं है यहाँ पे, तो वन प्लस एक्स भी ऊपर आएगा, वन प्लस एक्स लीनियर का, ये लीनियर जो इसकी पावर वन है, जिसमें एक्स की पावर वन है वो लीनियर है, जिसमें एक्स की पावर टू है वो स्क्वायर है, वो क्वाड्रेटिक है आपका, ये पूरा पूरा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर आ गए एज इट आ गए, कुछ भी नहीं किया, इसके इक्वेशन टू कह दिया, अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन, यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट कर दूँ तो ये सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन में से वन गया तो माइनस सारा जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट कर दी तो वन में से वन गया ये सारा जीरो, यहाँ पर कुछ आंसर ये वन आ सकता है आपके पास, ये ऑप्शन है आपके पास, ये आप यूज कर सकते हैं इक्वेशन टू को, अगर एक्स की जगह पे आप माइनस वन पुट कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट के आंसर हो सकते हैं, ये टर्म्स ये बचेगा आपका, ठीक है, अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ नंबर दे दिया हमने इसको, ये एज उतारा हमने, ए वन अपनी जगह पे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का टू, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को स्क्वायर, ठीक है जी, ये ए टू एक्स प्लस ए थ्री था हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दिया वन माइनस वन प्लस एक्स,
a2x को जब 1 से करेंगे तो a2x ये खुद ही रिपीट होकर आ जाएगा a2x, a2x को जब x से करेंगे तो x into x x square जाएगा तो a2x square, a2x square, a3 को 1 से करेंगे तो a3 हो जाएगा, a3 को जब x से करेंगे तो a3x हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिखाया, यहाँ भी दिखाया मल्टीप्लाई का साइन, मतलब ये जो टर्म रिमेनिंग रह गई थी 1 plus x square वो मैंने यहाँ दे दी, ठीक है, प्लस अपनी जगह पे, और ये टर्म जो थी एक्स ना मल्टीप्लाई कर दे, ए फोर एक्स को जब वन से करेंगे तो यही ए फोर एक्स रिपीट होगा जाएगा तो ए फोर एक्स आ गया, ए फोर एक्स को जब एक्स से करेंगे तो ए फोर एक्स इंटू एक्स एक्स पावर टू हो जाएगा, ए फोर एक्स पावर टू, ए फाइव को जब वन से करेंगे तो ए फाइव हो जाएगा, ए फाइव को जब प्लस एक्स से करेंगे तो ए फाइव एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए वन अपनी जगह पे हमारे पास वन का स्क्वायर वन है, टू वन जो टू, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको एज इट यहाँ तक ए टू से लेके थ्री तक पूरा पूरा ऐसे लिखा, ये जो नीचे लिख दिया इसका मल्टीप्लाई वाला, इसके साथ ये वाली पूरी टर्म मैंने यहाँ लिख दी, ये सिंप्लीफाई इसलिए खोल के गया मैंने ताकि आपको इजी लगे, इजी लगे, आसान हो जाए। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, ए वन अपनी जगह पर है, ए वन को मल्टीप्लाई कर दिया वन से तो ए वन ही हो जाएगा, ए वन को टू एक्स स्क्वायर में टू ए वन एक्स स्क्वायर जाएगा, ए वन को एक्स पावर फोर से करेंगे तो ए वन एक्स पावर फोर जाएगा, ठीक है। ये तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया ए वन से, यहाँ पे क्या करेंगे अभी सारी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बढ़ जाएगा, देखिए ए टू एक्स को वन से करेंगे तो ये हो गया हमारे पास ए टू, यहाँ पे तीन टर्म तो ये इसी की थे ना, तो ए टू एक्स को, ए टू एक्स को जब वन से करेंगे तो ए टू एक्स हो जाएगा, ए टू एक्स को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ए टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब ए टू एक्स स्क्वायर को जब वन से करेंगे तो ए टू एक्स स्क्वायर हो गया, अब ए टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ए टू तो रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर के एक्स पावर फोर जाएगा, ए टू एक्स पावर फोर हो गया, ठीक है। इस बार ए थ्री को जब वन से करेंगे तो ए थ्री हो जाएगा, जब ए थ्री को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ए थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब ए थ्री एक्स को जब वन से करेंगे तो ए थ्री एक्स हो जाएगा, ए थ्री एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ए थ्री तो रहेगा, एक्स और एक्स स्क्वायर के एक्स क्यूब हो जाएंगे तो ए थ्री एक्स क्यूब हो गया। ये चार टर्म आप पास एस पे उतारने का है, देखिए मैं कलेक्ट करेंगे सारे जो हाईएस्ट पावर है, तो ए वन एक्स पावर फोर है तो ए वन एक्स पावर फोर है, पहले वैल्यू यहाँ पे एक्स पावर फोर देखिए कहाँ पर आपके पास, एक तो ये हो गया था पास ए के रहा, ए टू एक्स पावर फोर, तो ए टू एक्स पावर, एक ए वन एक्स पावर फोर है, एक ए टू एक्स पावर, ए वन एक्स पावर फोर, ए टू एक्स पावर फोर, ठीक है जी। इसके बाद क्यूब देखिए, ए टू एक्स क्यूब है तो ए टू एक्स क्यूब है, ए थ्री एक्स क्यूब है तो ए थ्री एक्स क्यूब है, बाकी नहीं है मेरे पास। स्क्वायर में देखिए तो प्लस का टू ए वन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक तो टर्म मेरे पास ये है स्क्वायर भी, ठीक है, और एक कौन सी है ए टू एक्स स्क्वायर, तो ए टू एक्स स्क्वायर लिख दिया पहले मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये ए वन टू ए वन एक्स स्क्वायर, तो टू ए वन एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया मैंने, ये दो टर्म कैसे आएंगे ये भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, स्क्वायर की टर्म देखिए कहाँ पे ए थ्री एक्स स्क्वायर है तो ए थ्री एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर की टर्म देखिए ए फोर स्क्वायर है तो ए फोर स्क्वायर, ये टू ए वन एक्स स्क्वायर यहाँ से लिखा था मैंने पहले बताया था आपको। अब रह गया x, तो x देखिए ए टू एक्स है तो स्क्वायर के बाद ए टू एक्स आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा है x का वैल्यू ए थ्री एक्स, ए थ्री एक्स आ गया यहाँ तक, इसके बाद देखिए ए फोर एक्स तो ए फोर एक्स आ गया, ठीक है, फिर ए फाइव एक्स, ए फाइव एक्स आ गया, x भी खत्म हो गया, तो कॉन्स्टेंट कौन सा है ए वन है तो ए वन आ गया, देखिए यहाँ पे ए थ्री है, यहाँ पे ए वन के बाद ए थ्री है तो ए थ्री आ गया, उसके बाद आगे देखिए ए फाइव है, ए फाइव आ गया, ए वन ए थ्री। अब देखिए क्या करेंगे हम, इनमें से एक्स पावर फोर को निकाल देंगे, इन दोनों में से एक्स क्यूब निकाल देंगे, ये एक दो तीन चार, चार टर्मों में से एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर निकाल दिया मैंने तो क्या बचा मेरे पास, टू ए वन एक्स स्क्वायर, तो टू ए वन एक्स स्क्वायर का एक्स चला गया बाहर, ठीक है, फिर ए टू रहा, ए थ्री ए फोर, ए टू ए थ्री ए फोर, इसके बाद क्या है प्लस लगा दिया मैंने, फिर एक्स में निकाला मैंने तो ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, और यहाँ एक्स लिख दिया मैंने बाहर, यहाँ लिखते हैं वहाँ लिखते हैं, शुरू में लिखे हैं बाद में लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिख दूँ एक्स वहाँ लिख, कॉन्स्टेंट ए वन ए थ्री ए फाइव, ए वन ए थ्री ए फाइव, ठीक है। देखिए ये कॉन्स्टेंट डायरेक्ट नहीं निकल रहे, ये डायरेक्ट कोई भी डायरेक्ट नहीं निकल रहा आपके पास, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा इक्वेशन टू की तरफ, इक्वेशन टू में क्या था हमारे पास, एक्स वैल्यू माइनस वन पुट करें,
ये भी जीरो हो जाए, एक्स माइनस पुट करें तो ये भी जीरो हो जाए, तो ए वन निकलेगा आपका। जब ए वन निकल जाएगा आपका तो आप क्या करेंगे, ए वन प्योर यहाँ पुट करेंगे तो ए टू, इसको इक्वेट करते हुए ए टू निकालेंगे, ए टू निकल जाएगा तो ए थ्री, ए टू क्यू इसको ए क्यू एक्स क्यूब को इक्वेटिंग करेंगे तो ए टू क्यू पुट करेंगे तो ए थ्री आ जाएगा, ए वन ए टू ए थ्री करेंगे तो फोर आ जाएगा, इस तरह फिर ए फाइव आएगा, फिर ए हमारे पास फाइव था इसके अंदर फाइव ही आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हमने एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट कर रहे हैं क्वेश्चन टू में, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस वन, जहाँ वो एक्स था यहाँ माइनस वन, यहाँ पर एक्स है यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पर एक्स है ए के साथ माइनस वन, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पर एक्स है यहाँ माइनस वन, यहाँ पर एक्स है यहाँ माइनस वन, यहाँ पर एक्स है यहाँ माइनस वन, प्लस माइनस माइनस वन, माइनस और प्लस वन जाएंगे जीरो, सारा जीरो। अब यहाँ देखिए प्लस, ये प्लस है, ये सही नहीं आ रहा आपको, प्लस का प्लस माइनस 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 में से प्लस गया तो जीरो, ये सारा जीरो, दोनों की जगह मैंने जीरो लगा दिया। अब माइनस वन का सर करेंगे वन ही आएगा, ए वन अपनी जगह पे, वन अपनी जगह पे, वन का स्क्वायर करेंगे माइनस है तो माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन और स्क्वायर तो स्क्वायर, वन और वन टू, टू का स्क्वायर करेंगे फोर, फोर मतलब फोर डिवाइड कर वन पॉइंट फोर, ठीक है जी, ये आपका ए वन आ गया। अब हम इक्वेटिंग कर लेंगे इसको एक्स पावर फोर को, देख सकते हैं आप एक्स पावर फोर है क्योंकि ए वन आ चुका है तो ए टू निकालना आसान है, x पावर फोर यहाँ x पावर फोर नहीं है तो ये जीरो बराबर हो जाएगा किसके, ए वन प्लस ए टू, तो जीरो बराबर कर देंगे हम ए वन प्लस ए टू, ए वन अभी निकाले हमने ऊपर निकाला हुआ वन पॉइंट फोर, ए वन की जगह वन पॉइंट फोर पुट कर प्लस ए टू प्लस ए टू, ये प्लस का वहाँ जाकर माइनस का जाएगा माइनस का, वो ए वन प्लस का आया है तो ए टू गया माइनस का वन वन पॉइंट फोर आया, ठीक है वहीं चलेंगे। अब एक्स क्यूब को इक्वेटिंग करेंगे वहाँ पे, वहाँ एक्स क्यूब ही नहीं, जीरो बराबर हो जाएगा किसके, ए टू प्लस ए थ्री के, हम थ्री निकाल लें, जीरो बराबर होगा ए टू प्लस ए थ्री, ए टू प्लस ए टू अभी निकाला माइनस का वन पॉइंट फोर यहाँ पुट कर दिया, ए प्लस ए थ्री प्लस ए थ्री, ये माइनस का वहाँ जाकर प्लस का, वन पॉइंट फोर ही चल रहा है प्लस या माइनस के अंदर चल रहा है, क्या हो गया ए थ्री आ गया वन पॉइंट फोर आ गया। ठीक है इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, ए फोर थ्री तक आ चुके हैं, ए फोर हमें यहाँ मिलता है वन टू थ्री फोर एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से हो जाएगा इक्वल, यहाँ वन है वन बराबर हो जाएगा किसके, टू ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ए के साथ टू है बाकी साथ वन, ठीक है जी इक्वेट करते हैं उसको स्क्वायर को, टू के साथ वन है बाकी सिंगल सिंगल है, ठीक है ए वन की वैल्यू वन पॉइंट फोर, ए टू की माइनस वन पॉइंट फोर, थ्री की वन पॉइंट फोर, ठीक है जी, वन अपनी जगह इज इक्वल टू अपनी जगह, टू अपनी जगह, ए वन वन पॉइंट फोर, ठीक है ये हमारे पास क्या है प्लस है लेकिन वैल्यू किसकी है, ए टू की माइनस की है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है ए थ्री की वैल्यू ये प्लस अपनी जगह और ये प्लस 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 ही रहेगा, ए थ्री की वैल्यू वन पॉइंट फोर है तो वन पॉइंट फोर आ गया, प्लस का ए फोर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, टू वन सा टू टू द फोर वन अपॉइंट टू हो गया, वन अपॉइंट टू वहाँ चला जाएगा वन के पास तो वन माइनस वन अपॉइंट टू, तो प्लस वाले में से हाफ जाएगा तो प्लस के हाफ बचेगा, तो क्या हो गया हमारे पास एलसीएम लेके दिखा दिया मैंने, वन टू का एलसीएम टू टू अपॉइंट टू करें टू माइनस वन वन का ए फोर भी आ गया, ठीक है जी। अब रह गया आपका ए फाइव, ए फाइव ये भी और ये भी है, वन ए वन ए थ्री ए फाइव को कॉन्स्टेंट को या कॉन्स्टेंट ही नहीं जीरो जीरो बराबर करके भी कर सकते हैं आसानी के लिए, तो कांस्टेंट के साथ कर लिया वन थ्री और फाइव, ए वन के वन पॉइंट फोर ए थ्री के वन पॉइंट फोर, वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर पुट कर दिए, दोनों ही प्लस के तो वहाँ जाकर दोनों ही माइनस के हो गए, एलसीएम लेंगे फोर माइनस वन तो क्या होगा माइनस का टू अपॉइंट फोर, टू वन जो टू टू जो फोर तो माइनस का वन अपॉइंट टू आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इक्वेट कर सारी वैल्यू पुट कर देंगे ए वन टू थ्री फोर फाइव की, क्वेश्चन वन के अंदर तो ये क्वेश्चन वन का हिस्सा है, यहाँ पे ए था ए वन था, ए वन की वैल्यू ये, ए टू की वैल्यू ये, ए थ्री की वैल्यू ये, ए फोर की ये, ए फाइव, ए फोर डिवाइड कर रहा है नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है जी नीचे आके मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एलसीएम बन गया फ्रैक्शन की वजह से तो फोर एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस का एक्स प्लस का वन, माइनस का एक्स प्लस का प्लस, ये ब्रैकेट यहाँ दिखाया मैंने, ये टू और टू है वन अपॉइंट टू एक्स था और ये प्लस बाहर है फार्मूले का माइनस का वन अपॉइंट टू है, तो ये टू टू एलसीएम आ जाएगा और एक्स माइनस ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस का वन, एक्स प्लस का है एम वन माइनस का, ठीक है
फोर डिवाइड कर इन सेकंड मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई कर दिया, और इनका साइन जो है हमारा इसमें हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया, वन को पहले लिख दिया एक्स को बाद में लिख दिया, वन माइनस एक्स ऑर्डर चेंज किया, माइनस साइन कॉमन नहीं निकल, एक्स माइनस का तो एक्स माइनस का, एक्स वन प्लस का तो वन प्लस का, तो वन पे लिख दिया एक्स बाद, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस का इधर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, टू पर डिवाइड कर जगह मल्टीप्लाई करेगा एस एट, याद रहेगा ये कैसे हुआ, तो ये जो प्लस का वो प्लस का, जो माइनस माइनस का सिर्फ अरेंजमेंट में फर्क है, ठीक है जी। क्वेश्चन आसान था, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, और सेवन है, नीचे एक ब्रैकेट में जो फैक्टर है वो पावर वन है, तो वो लीनियर है, उसके ऊपर कोई स्क्वायर वाला नहीं, तो नॉन रिपीटेड है, केस वन हो गया। अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये है क्वाड्रेटिक आपका, और स्क्वायर उसके ऊपर भी है तो ये रिपीटेड है, तो ये फोर्थ हो गया केस, ठीक है। तो ये केस वन नीचे वाला जो है फैक्टर ये ए वन अपॉन दिस ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये रिपीट होगा, वन तो हो चुका है ए वन, तो ए टू एक्स प्लस ए थ्री अपॉन दिस सिंगल पावर, ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे, इसी को नीचे वाले फैक्टर को स्क्वायर में लिखेंगे, लेकिन अब थ्री तक हो चुका है तो ए फोर एक्स प्लस ए फाइव, ठीक है। इसको इक्वेशन वन के लिए एज यूजुअल क्या करेंगे, ये सब फैक्टर, ये सब हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर है, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ये लीनियर है तो लीनियर आ गया, क्वाड्रेटिक का बड़ा पावर आएगा क्योंकि छोटा वाला पावर खुद उसके अंदर होता है, तो क्वाड्रेटिक का बड़ा पावर, यहाँ पे लीनियर है तो ज्यादा से ऊपर क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करेगा एलसीएम पूरा करने के लिए, तो एलसीएम पर क्वाड्रेटिक ऊपर आ गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का एक पावर है तो एक तो लास्ट में पड़ जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू प्लस एक्स स्क्वायर, और एक लीनियर जो है लीनियर मल्टीप्लाई करेगा, लीनियर कौन सा है एक्स प्लस वन, पहले लीनियर लिखा हमने, बाद में जो क्वाड्रेटिक का एक काम था वो लिख दिया, यहाँ क्वाड्रेटिक का पूरा है तो यहाँ पे सिर्फ लीनियर आएगा मल्टीप्लाई करने, तो लीनियर आ गया ए फोर एक्स प्लस ए फाइव मल्टीप्लाई करना है लीनियर, यानी कि एक्स प्लस वन, लीनियर उसको कहते हैं जिसकी पावर वन है, क्वाड्रेटिक से करें जिसकी पावर टू चल रही है, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, सेवन बचा, और ये ऊपर का जितना भी टर्म था मैंने सारा लिख दिया, इसको क्वेश्चन टू के दिया, ये हेल्पफुल हो जाता है हमारे पास कभी, अगर हम चाहते हैं ए वन के लिए वन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आसान है, आप पास एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दें, देखा है यहाँ पे जो एक्स माइनस एक्स प्लस वन है, एक्स जो कॉमन होता है उसमें देखते हैं एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है तो एक्स का माइनस वन पुट करें तो वन प्लस वन गया जीरो, सारा जीरो, वन प्लस वन गया सारा जीरो, तो ए वन निकाल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं निकाल रहे, इक्वेशन टू के लिए अब इसको सॉल्व करेंगे, सेवन अपनी जगह ए वन अपनी जगह, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का टू, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, प्लस दिखा दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो ब्रैकेट होगा आपस में, और ये जो ब्रैकेट है इसको हमने आगे लिख दिया ब्रैकेट करके, ए टू एक्स को जब एक्स से करेंगे तो ए टू तो आएगा, एक्स इन टू एक्स एक्स स्क्वायर जाएगा, ए टू एक्स स्क्वायर, ए टू एक्स को वन से करेंगे तो ए टू एक्स ही हो जाएगा, ए थ्री को जब एक्स से करेंगे तो ए थ्री एक्स हो जाएगा, ए थ्री को जब वन से करेंगे तो ये टू प्लस एक्स स्क्वायर टू प्लस एक्स स्क्वायर एज इट आ गया। अब इनमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ए फोर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स है तो ए फोर तो रहेगा, एक्स इन टू एक्स एक्स स्क्वायर, ए फोर एक्स स्क्वायर, ए फोर एक्स को जब वन से करेंगे तो ए फोर एक्स आ जाएगा, ए फाइव को जब एक्स में पे करेंगे तो ए फाइव एक्स हो जाएगा, ए फाइव को वन से पे करेंगे तो ए फाइव, ठीक है। अब ये ए वन अपनी जगह पे, टू का स्क्वायर फोर हो गया, टू टू फोर एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर तो स्क्वायर फोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई किया, ए टू एक्स स्क्वायर को पे टू से तो ए टू भी रहेगा, स्क्वायर भी रहेगा, टू भी आ जाएगा साथ में, तो टू ए टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब ए टू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, ए टू तो रहेगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा एक्स पावर हो जाएगा, ए टू एक्स पावर, ए टू एक्स को मल्टीप्लाई किया टू से तो टू भी रहेगा, एक्स एक्स ए टू भी रहेगा और एक्स भी रहेगा, टू भी रहेगा ए टू भी रहेगा एक्स भी रहेगा, टू ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए टू एक्स को जब एक्स से करेंगे तो ए टू तो रहेगा लेकिन एक्स और एक्स स्क्वायर क्या होंगे एक्स भी हो जाएंगे, तो ए टू एक्स भी, ए थ्री एक्स को जब टू से करेंगे टू भी रहेगा, ए थ्री भी रहेगा एक्स भी रहेगा, टू भी रहेगा ए थ्री भी रहेगा एक्स भी, ए थ्री एक्स को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ए थ्री तो रहेगा लेकिन एक्स से क्या होगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स भी हो जाएगा, तो ए थ्री एक्स भी होगा, ठीक है। अब ए थ्री को जब मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो टू ए थ्री हो जाएगा, ए थ्री को जब स्क्वायर करेंगे तो ए थ्री एक्स स्क्वायर, ये नीचे वाला जो ब्रैकेट है ये मैंने एज इट लिख दिया, उसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, इनको पूरा जो ब्रैकेट हमारे पास था ये, ठीक है, उसको ऐसे कैसे लिखा हमने, ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया ए वन से, पहले ए वन से मल्टीप्लाई किया इसको फोर को, तो ए इन सब के साथ ए वन लग जाएगा, तो ए वन ए वन ए वन लग गया,
बाकी ये सारे के सारे ऐसे कैसे लिख दिए, एक ही दो तो स्टेप किए हैं लेकिन बड़ा हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है जी, सबसे बड़ा पावर कौन सा है? a1 एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 में तो a1 एक्स पावर 4 है, दूसरा a2 एक्स पावर 4 है, a2 एक्स पावर 4 है। अब यहाँ देख लीजिए एक्स पावर 4 कहीं पे भी नहीं, फिर a3 में देखिए a2 एक्स क्यूब है तो a2 एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में देखिए a3 एक्स क्यूब है तो a3 एक्स क्यूब है। यहाँ देखिए क्यूब में पावर कोई नहीं, फिर स्क्वायर में आ जाए, स्क्वायर में ही से स्टार्ट है, 4a1 एक्स स्क्वायर है तो 4a1 एक्स स्क्वायर है, उसके बाद स्क्वायर में 2a2 एक्स स्क्वायर है, 2a2 एक्स स्क्वायर है, उसके बाद आप यहाँ जाए a3 एक्स स्क्वायर तो a3 एक्स स्क्वायर है, a4 एक्स स्क्वायर भी है तो a4 एक्स स्क्वायर भी है। ठीक है a4 स्क्वायर बाकी नहीं है स्क्वायर में, एक्स देखिए सिंगल एक्स 2a2x है, 2a2x है, x देखिए 2a3x है, 2a3x है, a4x है, a4x है, a5x है, a5x। अब बचा हमारे पास x भी चलेगा तो कांस्टेंट, तो 4a1, तो 4a1 हो गया। टू ए थ्री हो गया, ठीक है ये वाला। इसके बाद देखिए ए फाइव, अब इन दोनों में आप कॉमन निकालिए तो एक्स पावर 4 बाहर आ जाएगा, एक्स पावर 4 आ गया, इन दोनों में एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, इन सब में एक्स स्क्वायर है तो सब में एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इन सब में एक्स है तो एक्स बाहर आ गया। ये कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे ही रहेंगे लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इसका सन, इसको थ्री कर दिया। अब देखिए कोई भी ऐसा नहीं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, जाना वही पड़ेगा स्टेप टू की तरफ। स्टेप टू में क्या कह रहे थे हम कि एक्स की जगह एक्स प्लस वन है तो एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दें तो ये जीरो और ये भी जीरो, वन माइनस वन गया जीरो तो ए वन निकल आएगा। तो एक्स की जगह क्या पुट कर दें हम, जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी यहाँ पर एक्स है, ये एक्स, ये एक्स, ये वाला एक्स और ये एक्स, एक्सों की जगह पर हम पुट कर देंगे माइनस वन। ठीक है माइनस वन पुट कर दिया, जहां जहां एक्स में ब्रैकेट में कर दिया, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ब्रैकेट में लिखा है इसको लेकिन ये माइनस वन, ठीक है प्लस और वन में माइनस वन गया जीरो, जीरो ने सबको जीरो कर दिया, ये जीरो गया तीसरा, यहाँ पे यहाँ से आता है कि वन में से वन गया जीरो, ये सबको मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ तक ही जीरो कर दिया। सेवन अपनी जगह पे, एवन अपनी जगह पे, टू अपनी जगह पे, माइनस वन का स्क्वायर है तो माइनस वन जाएगा, इवन गया से वन आ जाएगा, टू और वन और होल स्क्वायर तो टू और वन क्या जाएगा थ्री हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर जाएगा नाइन, नाइन मल्टीप्लाई करेगा नाइन डिवाइड करेगा ए वन आ गया सेवन अपॉन नाइन। ठीक है जी, अब ए वन आ चुका है आपके पास, अब आप इक्वेशन वन का काम खत्म हो गया, अब इक्वेशन फोर में से इक्वेशन थ्री से इस्तेमाल करेंगे, एक्स पावर फोर ले लें, ए वन से ए टू निकल आएगा, एक्स पावर फोर यहाँ नहीं है तो जीरो बराबर जाएगा ए वन प्लस ए टू, जीरो बराबर कर देंगे ए वन प्लस ए टू, ए वन निकला सेवन अपॉन नाइन, ए वन की जगह सेवन अपॉन प्लस का वहां जाके हो गया ये माइनस का सेवन, ए वन और ए टू में माइनस प्लस का फर्क है सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थ्री में एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है ही नहीं, यानी जीरो बराबर हो जाएगा किसके, ए टू प्लस ए थ्री, ए टू प्लस ए थ्री का, ए टू प्लस ए थ्री, ए टू निकाला है हमने अभी माइनस का सेवन अपॉन नाइन, माइनस सेवन अपॉन नाइन ये वहां जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा सेवन, वही चीज चल रही है। वन टू थ्री आ गए हमारे पास, अब फोर कहाँ से निकालें, वन टू थ्री तक आ गए, एक्स स्क्वायर को ले लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है तो ये सारे सारे आ जाएंगे फोर ए वन टू ए टू, बाकी सीधा सीधा जीरो है वहां था ही नहीं वहां पे एक्स स्क्वायर, तो फोर ए वन टू ए टू बाकी सिंगल सिंगल, ठीक है ए वन की वैल्यू सेवन अपॉइंट नाइन, ए टू की माइनस सेवन पॉइंट नाइन, ए थ्री की प्लस सेवन पॉइंट नाइन, रिपोर्ट कर दें जीरो अपनी जगह, जीरो अपनी जगह, फोर अपनी जगह, ए वन की जगह सेवन पॉइंट नाइन प्लस टू अपनी जगह, ए टू की जगह माइनस सेवन पॉइंट नाइन प्लस का ए थ्री है जगह सेवन पॉइंट नाइन, ए फोर मालूम करना है। देखिए कुछ स्टेप हो गई है इसको, मैं कहीं ठीक है या आप सॉल्व कर सकते हैं इसको एज यूजल, तो उसके बाद जब आपका आंसर आएगा इसका, देखिए यहाँ पे
A4 निकाल दें, A4 निकल जाएगा आपके पास। A4 के बाद आप A5 निकाल सकते हैं इस कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसके बाद A2, 1, 2, 3 वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये सवाल हो जाएगा। मैंने ये छोड़ दिया आपके लिए ताकि इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, यहाँ से फर्दर आपके पास ही होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, 49/30 हमारे पास है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर लीजिएगा आप, आगे सॉल्व होगा ये हमारे पास A4 आ जाएगा। A4 के बाद आप A5 को इक्वेट कीजिएगा यहाँ से कॉन्स्टेंट के जरिए, A5 हो जाएगा। तो A1, 2, 3, 4, 5 के लिए जो आप पुट करेंगे, कहाँ पुट करना है आपको, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे A1, 2, 3, 4, 5, आपका जवाब आ जाएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफी लंबी हो चुकी है आपका लेक्चर। तो ये पावर अंदर का जो लीनियर है, क्योंकि पावर 1 है तो ये लीनियर है, केस 1 है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो ये तो केस 1 हो गया, ये क्वाड्रेटिक और ये स्क्वायर भी, ये केस 4 हो गया। ठीक है, सवाल ऐसे उतारा, ये लीनियर था तो A1/30, ये तो लीनियर की वजह से, अब जो केस 4 है इसमें रिपीटिंग वाला है तो ये पूरा क्वाड्रेटिक रहेगा। अब 1 तो वहां जा चुका है, 1 तो A2x + A3 हो जाएगा, लेकिन पावर क्या होगी नीचे वाले की, फैक्टर की 1 होगी, स्क्वायर नहीं होगी। अब नीचे आगे स्क्वायर वाला फैक्टर आएगा, थीटा तो हो चुका है A4x + A5। ठीक है जी, इसको इक्वेशन 1 कह दिया मैंने यहाँ पे, और ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो एज यूजुअल क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हम जानते हैं ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक का सिंगल पावर वाला है, ये क्वाड्रेटिक का स्क्वायर सिंगल वाला इसी में ही जम हुआ होता है। ठीक है, इसी का हिस्सा होता है, तो स्क्वायर वाला और ये लीनियर, लीनियर आ गया यहाँ पे और ये क्वाड्रेटिक आ गया। लीनियर तो मौजूद है, क्वाड्रेटिक को प्राप्त हो जाएगा, क्वाड्रेटिक क्या है, 3 + x² होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लीनियर भी नहीं है और क्वाड्रेटिक का एक सिंगल वाला, सिंगल है सिंगल वाला नहीं है, ऊपर वाले को ब्रैकेट में कर दिया, A2x + A3 को, A2x + A3 को, ये लीनियर वाला भी आगे मल्टीप्लाई करेगा और क्वाड्रेटिक का एक है, एक नहीं है तो एक ब्रैकेट ऊपर आएगा 3 + x² यहाँ पे जो होगा आगे, इसी लाइन को मैंने आगे यहाँ फर्दर दिखा दिया। तो ये क्या है, A4x + A5 होगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक मौजूद है पूरा स्क्वायर के साथ, तो लीनियर आ जाएगा मल्टीप्लाई, कौन सा है x-2 आ जाएगा, जो x-2 यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ दिखाया हुआ है आपने, आ जाएगा ये एलसीएम करने के लिए पूरा। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं ये भी डिवाइडेंड है, ये भी डिवाइडेंड है, ये इसको कैंसिल कर देंगे और क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, तो 49 अपनी जगह रहेगा, ये पूरा टर्म मैंने एज इट लिख दिया, इसकी क्वेश्चन 2 कह दिया। अब यहाँ पे और से देखें, A1 अगर निकालना चाहते हैं तो x-2 कॉमन है दोनों टर्म, x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दें, 2 में से 2 गया तो ये सारा 0, 2 में से 2 गया तो ये सारा 0, ये कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा A1। ये तो आपके लिए आसान हो गया A1 निकालना, लेकिन फिर भी हम अपने आगे के प्रोसेस के लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 49 अपनी जगह पे, A1 अपनी जगह पे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने दो टर्म को, यहाँ रख के भी दिखा रखी है। A2x को जो x से करेंगे तो A2 तो रहेगा, x * x का जगह x² तो A2x², A2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो -2 A2x, A2x हो गया। A3 को जब x से करेंगे तो A3x जाएगा, A3 -2 से करेंगे माइनस का 2A3। ये जो था हमारा x + 3 + x², ये बाकी था तो ये मैंने यहाँ दिखा दिया, उसके बाद प्लस ये वाला यहाँ दिखाया मैंने आपको और ये मल्टीप्लाई कर दिया। A4x को x से, A4 तो रहेगा, x * x क्या हो जाएगा x² तो A4x², A4x², A4x को जब 2 से करेंगे तो A4x भी रहेगा, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 A4x हो गया। A5 को जब x से करेंगे तो A5x आ जाएगा, A5 को -2 से करेंगे तो माइनस का 2A5 आ जाएगा। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी चल रहा है ये। 49 अपनी जगह पे, A1 अपनी जगह पे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 3 6 x² स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को 3x² से, 3 + x² से, A2x² को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3A2x² हो जाएगा, A2x² को जब x² से करेंगे तो A2 तो रहेगा, x² हो जाएगा तो A2x पावर 4। अब माइनस को 2 से जब मल्टीप्लाई, -2 को 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो -6 आ गया पास, A2x है तो A2x हो गया, -A2x को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो -2 तो रहेगा, A2 भी रहेगा लेकिन x से क्या जगह x² और x में x क्यूब हो जाएंगे, तो माइनस भी रहा 2 भी रहा, माइनस भी रहा 2 भी रहा, A2 भी रहा, तो x क्या हो गया, क्यूब हो गया।
अब ए थ्री एक्स को थ्री से करेंगे तो थ्री भी आएगा, ए थ्री भी आएगा और एक्स भी आ जाएगा, थ्री भी आएगा, ए थ्री भी आएगा, ए थ्री को ए थ्री एक्स को जो एक्स स्क्वायर से, मतलब ए थ्री तो रहेगा, एक्स एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स हो जाएगा, ए थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर और एक्स मिलेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक, इसका बचा माइनस का टू ए थ्री बचा, तो माइनस प्लस माइनस, और टू थ्री सिक्स और ए थ्री सिक्स, ए थ्री माइनस प्लस माइनस, टू अपने जगह पे, ए थ्री अपने जगह पे, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, माइनस टू अपने जगह पे, ए थ्री अपने जगह पे, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऐसे मैंने ऐसे ही लिखे, कुछ भी नहीं किया है। 49 अपनी जगह पे हमारे पास, ए वन को मल्टीप्लाई करते हैं, ए वन सिक्स आ जाएगा, नाइन के साथ भी, सिक्स एक्स स्क्वायर के साथ भी और एक्स पावर फोर के साथ भी। ये इसमें कुछ भी नहीं किया, ये टर्म मैंने पूरे पूरे बाकी यहाँ से, ये कितने थे, एक दो तीन, ये तीन टर्म थे, बाकी मैंने एज उतारा है सारे। अब देखिए मैं बड़ी पावर एक तरफ करना चाहूंगा, ए वन एक्स पावर फोर है तो ए वन एक्स पावर फोर है, दूसरा ए टू एक्स पावर फोर है तो ए टू एक्स पावर फोर। ठीक है, एक्स पावर फोर देखिए और नहीं है, नहीं है। अब ए एक्स पावर फोर हो गया तो एक्स पावर थ्री पे जाएंगे हम, देखिए ऊपर लाइन में हमें एक्स पावर थ्री नजर नहीं आ रहा, ये नजर आ रहा है माइनस का टू ए टू एक्स क्यूब, माइनस का टू ए टू ए टू एक्स क्यूब। ठीक, एक्स क्यूब ये, ए थ्री एक्स क्यूब भी है, प्लस यहाँ दिखा दिया ए थ्री एक्स क्यूब, देखिए और नहीं है। स्क्वायर का देखिए, स्क्वायर का प्लस सिक्स, सिक्स ए वन एक्स स्क्वायर है, सिक्स ए वन एक्स स्क्वायर है, थ्री ए टू एक्स स्क्वायर है, थ्री ए टू एक्स स्क्वायर है, ए फोर एक्स स्क्वायर है तो ए फोर एक्स स्क्वायर है, बाकी नहीं है पास। एक्स देखिए, फिर माइनस का सिक्स ए टू एक्स है, तो माइनस का सिक्स ए टू एक्स, थ्री ए थ्री एक्स है तो थ्री ए थ्री एक्स, माइनस ए माइनस टू ए थ्री एक्स है, माइनस टू, एक मिनट, ये स्क्वायर था ये तो पहले हो गया, सॉरी ये स्क्वायर था, ये ठीक नहीं, एक्स ये रहा, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये रहा माइनस ए टू ए माइनस टू ए फोर एक्स है, माइनस टू ए फोर एक्स, और एक्स ये रहा ए फाइव एक्स, ए फाइव एक्स। केयरफुली देखिएगा, नाइन ए वन है, नाइन ए वन हो गया, ठीक है, कॉन्स्टेंट देखिए आगे कौन सा है, और ए में हो खाली, माइनस का सिक्स ए थ्री, माइनस का सिक्स ए थ्री, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक, माइनस का टू ए फाइव, माइनस का टू ए फाइव, ठीक है। इन दोनों में से एक्स पावर फोर निकाल दीजिए, इन तीनों में से निकालिए आप, सॉरी इन दोनों में से यहाँ तक है, तो ये एक्स स्क्वायर निकालिए, एक्स क्यूब निकालिए और माइनस भी निकालिए सिर्फ, तो माइनस निकलेगा तो माइनस की रकम प्लस की जाएगी, जो रकम प्लस की है ये माइनस का हो जाएगा, एक तरफ एक्स क्यूब हो गया दूसरा तो माइनस आ गया। ठीक है, स्क्वायर ये है, दो तीन चार स्क्वायर भी, स्क्वायर निकालते चार अंदर रखते, एक्स एक दो तीन चार है तो एक दो तीन चार है, बाकी एक्स अंदर, और माइनस भी कॉमन निकाला है, माइनस सब कॉमन निकाला है उसका पहले पहले एलिमेंट की जैसे, तो क्या होगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, ये कांस्टेंट मैंने एक साथ लिख दिए, कुछ भी कॉमन नहीं निकाला, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर टू के अंदर, मैंने बताया था ना आपको जीरो हो जाती है, शुरू में बता देता आपको, देख लें दोबारा एक बार, एक्स की जगह पे टू पुट करें तो टू माइनस टू हो गया जीरो, सारा जीरो, टू पुट कर टू माइनस टू हो गया सारा जीरो, टू पुट करते हैं, 49 अपनी जगह एवं जगह ये थी, ये टू के लिए, टू एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू वन ही यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू टू यहाँ पर, एक्स की वैल्यू टू, टू माइनस टू हो गया जीरो, टू माइनस टू हो गया जीरो, सारा जीरो, दो जीरो तो उसके आ गए इनके कैसे, 49 अपनी जगह इज इक्वल टू ए वन अपनी जगह पे, थ्री अपनी जगह पे, टू का स्क्वायर है फोर हो जाएगा, फोर थ्री सेवन, सेवन का स्क्वायर कितना आएगा 49, 49 यहाँ 49, 49 यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जाकर डिवाइड करेगा, 49 से 49 किया तो वन आ गया। अब आपके पास ए वन आ चुका है, अब आप यही इस्तेमाल करिए, एक्स पावर फोर को इक्वेट कीजिए यहाँ पे, एक्स पावर फोर से यहाँ पे यही नहीं, एक्स पावर फोर जीरो हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू जीरो हो गया, ए वन प्लस ए टू के जीरो बराबर हो गया ए वन प्लस ए टू के,
a1 1 निकला हुआ है, तो 1 यहां पर 1 यहां प्लस का, तो वहां जाके माइनस का हो गया, तो a1 प्लस का, तो a2 क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब x क्यूब को यहाँ x क्यूब से ना x क्यूब ही नहीं, 0 बराबर जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, 2a2 माइनस का a3, याद रखिएगा माइनस का बाहर रहेगा, माइनस बाहर रहेगा 2a2 माइनस a3, ए ये माइनस मल्टीप्लाई कर दे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ए टू की वैल्यू माइनस वन आएगी, 0 अपनी जगह एस इक्वल टू जाएगा, माइनस टू अपनी जगह, ए टू की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस वन प्लस a3 अपनी जगह, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस का वहां जाके माइनस का a3 आ गया माइनस वन। ठीक है, a3 भी आ गया आपके पास। a4 निकालना है तो एक्स स्क्वायर को आप इक्वेट कर लें, आप तो क्या होगा 6a1 3a2 माइनस, पूरी टर्म यहाँ लिख लेंगे हम, 6a1 प्लस 3a2 माइनस का 2a3 प्लस का a4, a1 1 है, a2 माइनस 1 है, और a3 आपके पास माइनस 2। ठीक है, 0 अपनी जगह, इसी पर अपनी जगह, 6 अपनी जगह, a की जगह 1, a1 की जगह 1, प्लस 3 अपनी जगह, a2 की जगह माइनस 1, माइनस 2 अपनी जगह, a3 की जगह आपके पास माइनस 2, a4 मान करना है, 0 अपनी जगह, इसी पर अपनी जगह, 6 1 जा 6, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 2 जा 4, 2 जा 4। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 6 और 4 होगा 10, 10 में से 3 गया 7, 7 प्लस का हमारे जगह माइनस का, a4 हो गया माइनस का 7, अब बचा a5, a5 आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बेहतर है कॉन्स्टेंट से निकाल, छोटे को बराबर कर दें, 9a1 माइनस 6a3 माइनस 2a5। ठीक है, तो मैंने कॉन्स्टेंट बराबर कर दिया, 9a1 माइनस 6a3 माइनस 2a5, a1 1 है, a3 माइनस 2 है, 14 अपनी जगह, प्लस इज इक्वल टू 9 अपनी जगह, 9 a1 की जगह 1, माइनस इज अपनी जगह, a3 की जगह माइनस 2, माइनस का 2a5 अपनी जगह, 14 अपनी जगह पे, 9 1 सर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 6 12 हो गया, ये अपनी जगह 9 और ये 12 दोनों प्लस के वहां जाके माइनस के हो गए, तो 49 में से 9 गए तो 40 बचा, 40 में से 12 गए तो 28 बचा। ठीक है, तो इनका आंसर आएगा 28, 2 यहां मल्टीप्लाई करा, 2 यहां डिवाइड करेगा, माइनस हो जाएगा, 2 1 सर 2 14 सर 28, 1 सर 2 2 4 सर 8, तो ये a5 आ गया माइनस का 40, तो माइनस नीचे है हमारे पास माइनस का 40। a1 a2 a3 और a5 की वैल्यू पुट कर देंगे, काफी बड़ा एक्सरसाइज हो गया आपकी, a1 1 था, a2 हमारे पास माइनस 1 था, a3 माइनस 3 था, a4 माइनस 7 था, a5 माइनस 14, ठीक है माइनस 14, ये अपनी जगह पे, ये एजिट रहा, ये अपनी जगह पर है, ये क्या माइनस का x और माइनस का 2, तो दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये जो माइनस की रकम है दोनों माइनस की रकम है प्लस की हो जाएगी दोनों। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो, 7 भी कॉमन निकालता है, 7 भी कॉमन निकाल दो, एक्स बचा और 2 बचा, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस ही हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस हो गया, बाकी एज इट है। देखिए आपका बड़ा चैप्टर था, और ये मैं मशवरा यही दूंगा आपको, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि इतने लेंथी जो क्वेश्चन है ना आपके बाद मुश्किल हो जाते हैं प्लस माइनस की वजह से। तो थैंक यू सो मच, मैं समझता हूँ समझ आया होगा आपको, और कोई चीज़ कहना चाहे तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। थैंक यू।